19 मई को केंद्र सरकार द्वारा 2000 के नोटबंदी के ऐलान के बाद से देश में हलचल निर्माण हो गई है, लेकिन नागपुर शहर में इसका क्या परिणाम हुआ है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। 8 नवंबर 2016 में रात 8 बजे नोटबंदी का ऐलान किया गया था, जिसके बाद 500 और 1000 के नोट बंद कर 2000 का नोट चलन में लाया गया और चलन के 7 साल बाद अब फिर 2000 के नोट बंद की घोषणा के बाद जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 8 नवंबर 2016 ये तारीख देश के हर नागरिक के दिमाग में घर कर चुकी है, क्योंकि इसी दिन रात 8 बजे केंद्र सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया था और तब से 500 और 1000 के पुराने नोट बंद कर दिए गए थे। उसके बाद से 2000 के नए नोट देश में पहली बार चलन के लिए लाए गए थे और चलन के 7 साल बाद 19 मई को दोबारा केंद्र सरकार ने ये ऐलान किया है कि अब 2000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे। 23 मई से RBI ने ये आदेश जारी किया है कि 23 मई से आप लोग बैंक में नोट कर जमा कर सकते हैं और एक्सचेंज करवा सकते हैं। 30 सितंबर तक की ये जो है वैधता दी गई है। इसके बाद से ही जैसे ही 19 मई को ये ऐलान किया गया, उसके बाद नागरिकों में भगदड़ मच गई। लोग सोने चांदी की दुकानों में अपने नोट एक्सचेंज करवा रहे, तरह तरह की दुकानों में जाकर अपने नोट एक्सचेंज करवाने की कोशिश कर रहे, जो कि 2000 का नोट मार्केट में नॉर्मली नहीं देखा जा रहा था। अब नोटबंदी के बाद एकदम से 2000 का नोट जो है मार्केट में दिखने लगा है। तो इसके बाद दुकानदारों में कैसा वातावरण है, मार्केट में क्या स्थिति है, इसको जानने के लिए आज हम मौजूद हुए हैं महल स्थित आश्रय ज्वेलर्स में और यहाँ के जो ओनर हैं उनसे जानेंगे कि क्या स्थिति है। क्या बताना चाहेंगे सर कि 2000 की नोटबंदी के बाद में जो नागरिकों का 19 मई को गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया 2000 के नोट के संबंधित रात को 8 बजे के बाद, तो उसका असर दूसरे दिन ही सवेरे हमारे को रिप्लाई मिला, कस्टमर के फोन आ रहे हैं कि आपके 2000 के नोट चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, आप लोगे क्या। अब लोगे उसमें सेविंग रहती है नोटें, तो धीरे धीरे 2000 के नोट जो जिनके 4, 5, 6 नोट ही होंगे, वो लोगों को भी डर महसूस हो रहा कि मार्केट में चलेंगी या नहीं चलेंगी। अब इसका गलत मैसेज जा रहा है व्हाट्सएप पे या फिर ऐसे सोशल मीडिया पे कि कोई 5% काट के ले रहा है, कोई 10% काट के ले रहा है, ये सब बातें मार्केट में तो अभी है नहीं, पर लोगों ने इसका भ्रम फैलाया है। जो कमीशन पिछले जो नोटबंदी हुई थी उस समय भी लोगों ने 2%, 5%, 10% सामान्य लोगों से पैसे वसूल करके उनके नोट बदला के दिए थे, उसमें व्यापारियों का कोई संबंध नहीं था। सामान्य लोगों ने ये मैसेज फैलाया और उसी मार्फत वो मैसेज आज भी हो रहा है, वैसी मैसेज जा रहा है बाज़ार में। पर व्यापारियों में ऐसी कोई बात नहीं है, जब कस्टमर आते हैं दुकानदार एक्सेप्ट करते हैं। हमारे को जो गवर्नमेंट ने रूल्स भेजे हैं, मैसेज आया है व्हाट्सएप पर कि 50,000 से ऊपर अगर कोई कस्टमर आपके पास नोट देता है तो आप KYC उसका लीजिए, बाकी ऐसी कोई ये नहीं है मार्केट में, चर्चा नहीं है। आपके शॉप में सर ले जा रहे हैं? हमारे शॉप में कस्टमर आते हैं, सामान्य लोग आते हैं, वही 2000, बड़े लोग तो छोटे दुकानों में आते ही नहीं है। पहले की तुलना में और अभी देखने मिल रहे हैं, अभी अभी ही लोगों में जो डर है वो डर के कारण लोग अभी शुरुआत में ही 2000 के नोट का व्यापार करना चालू कर दिया। 19 मई के बाद से कितने नोट जो है ज्वेलर की दुकान में आए हैं, देखते हैं सर कि कितने नोट अब तक की जमा हुए अपने पास में। एक 4-5 कस्टमर के मार्फत 2 दिनों में एक 10 से 15 नोट आए, बाकी तो लोग 500 और बाकी तो 500 के ही नोट लोग लेके आते हैं। और अभी तो 70% से ऊपर लोग व्यापार जो हमारा हो रहा है वो ऑनलाइन तरीके से, डिजिटल तरीके से होता है, उस कारण नोटों का संख्या छोटी थोड़ी कम ही है। RBI गवर्नर ने कहा कि 30 सितंबर तक यह नोट बदले जा सकेंगे, 23 मई से बैंक में नोट जमा किए जा सकते हैं और कोई भी दुकानदार नोट लेने से इनकार नहीं कर सकता है। उसके बावजूद भी नागपुर के एक पेट्रोल पंप पर यह देखा गया है कि 2000 के नोट नहीं लिए जा रहे हैं। मैनेजर से पूछे जाने पर उसने इसका जवाब भी नहीं दिया। हमारे देशवासियों की एक खूबी ये भी है कि अगर कोई रास्ता बंद हो जाता है तो उसके अनूठे उपाय निकालने में हम एक्सपर्ट होते हैं। उसी के साथ इस बीच सोशल मीडिया पे खबर वायरल हो रही थी जिसमें कहा गया था कि 2000 का नोट लेकर पेट्रोल पंप पे आया गया है मात्र 50 रुपये का पेट्रोल डलवाने के लिए। इसके बाद नागपुर शहर में भी क्या इस तरह की कोई स्थिति हुई है, इस तरह का कोई मामला पेट्रोल पंप पर आया है, ये जानने के लिए आज हम पहुँचे थे मेडिकल चौक के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे। यहाँ के मैनेजर से हमने बातचीत करने की कोशिश की, क्या उनकी प्रतिक्रिया है, 2000 के नोट यहाँ पर लिए जा रहे हैं, नहीं लिए जा रहे हैं, इसके बारे में बोलने में उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हम 2000 का नोट नहीं ले रहे हैं। जब हमने उनसे इसकी वजह पूछी तो उन्होंने वो भी बताना जरूरी नहीं समझा। वहीं जब दूसरे पेट्रोल पंप मैनेजर से बात की गई तो उन्होंने नोट स्वीकार करने की बात कही।
वहीं ऊटखाना स्थित भारत पेट्रोल पंप पर 2000 के नोट स्वीकारे जा रहे हैं, उसके एवज में पेट्रोल भी दिया जा रहा है। तो यहाँ के मैनेजर से हम बातचीत करते हैं कि नोटबंदी के बाद से किस प्रकार से जो है 2000 के नोट वापस मार्केट में देखे जा रहे हैं और इन दिनों कितने नोट अंदाजन आए होंगे सर, और कैसा क्या जो है प्रभाव पड़ा है? ये दो दिन में यानी 46 नोट आए मेरे पास अभी, और उसके मुबदला में हम कस्टमर को पेट्रोल दे रहे हैं। 100-200 का जो पेट्रोल आता है लेते हैं, वो पेट्रोल दे के हम उसको आप यानी 500 रुपये की नोट यानी 100 की नोट ऐसे चेंज देते थे उनको। तो नागपुर शहर में 100-200-500 के पेट्रोल डलवाने के लिए भी लोग 2000 रुपये का जो है नोट इस्तेमाल कर रहे हैं। छुट्टे पाने के लिए पेट्रोल पंप पर 2000 के नोट दिए जा रहे हैं ज़्यादातर, और जो है भारत पेट्रोलियम में वो 2000 के नोट एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, उसके बदले में पेट्रोल भी दिया जा रहा है। किसी तरह का यहाँ पे इनकार नहीं है, चूँकि 30 सितंबर तक के जो है वैधता दी गई है नोट एक्सचेंज करवाने की, तो लोग इस तरह से भी अपने पास के जमा किए हुए नोट बाहर निकाल रहे हैं। अब जो इन दिनों विलुप्त ही बोला जाएगा कि कई दिनों से जो है 2000 के नोट मार्केट में नहीं थे, इन 7 सालों में जितने 2000 के नोट मार्केट में व्यापार व्यवहार के लिए बाहर नहीं आए थे वो इन 3 दिनों में बाहर आने लगे हैं। जैसे कि 46 जो है नोट इन 3 दिन में पेट्रोल पंप पर आया है। वैसे तो इक्का दुक्का यहाँ पर आता था, इस तरीके की जानकारी हमको पेट्रोल पंप मैनेजर ने दिया है। इसके बाद नागरिकों का क्या कहना है 2000 की नोटबंदी को लेकर, आइए जानते हैं। हम कुछ ग्राहकों से भी बात करेंगे कि कैसा क्या माहौल बना हुआ है नोटबंदी के बाद से। इंदु जायसवाल नाम है मेरा। वैसे हम लोग ऑनलाइन ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कैश ज़्यादा यूज़ नहीं करते। 2000 की नोट ठीक है, चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बंद भी हुई तो भी। हाँ, पिछले साल तक तो मिल रही थी, अभी नहीं मिल रही इस साल से। लोगों से बातचीत करने के बाद ये प्रतीत हो रहा है कि सामान्य वर्ग में रहने वाले लोगों को 2000 की नोटबंदी से ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ा है। हाई क्लास जो है प्रोफाइल लोग हैं, उन लोगों के लिए 2000 के नोट बंद होना बड़ी बात साबित हो सकती है। तो अभी फिलहाल जो भी लोगों के पास में थोड़ी बहुत सेविंग थी, वो पेट्रोल पंप हो, ज्वेलरी की दुकानें हो, इनके थ्रू जो है वो अपना छुट्टा करवा रहे हैं, जो है चिल्लर ले रहे हैं देकर सामान। तो इस तरीके का प्रकरण जो है मार्केट में भी बना हुआ है, और आने वाले 30 सितंबर तक के 2000 के नोट को लेकर क्या क्या अपडेट्स आती है वो देखते रहिए एनबीसी न्यूज़ के साथ। कैमरामैन अजित कुर के साथ माहिन पठान, एनबीसी न्यूज़ नागपुर।